26 से 50 तक संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे। सबसे पहले हमने बताया था कि अंकों में, शब्दों में, अंग्रेजी, इंग्लिश में और रोमन में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो शुरुआत करते हैं, पहले नंबर हमारा क्या है, 26। क्या है? 26 है। और शब्दों में 26, छा, आधा, बा में बड़ी, मात्रा, सा, 26। फिर अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 26। क्या पढ़ते हैं? 26, TWENTYSIX, 26। आगे रोमन में हम क्या लिखते हैं, XXVI लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 26। अगली संख्या हमारा 27। हिंदी में हम पढ़ते हैं शब्दों में, सा, ता, आधा ता भी रहता है, आठ मात्रा, बड़ी ई, उषा, 27। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 27। क्या पढ़ते हैं? 27, TWENTYSEVEN। और लिखते कैसे हैं रोमन में, XXVII। फिर अगली संख्या है हमारा 28। आ, ता, ठा, ठा में एक आ की मात्रा, ईस, 28। अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, 28। कैसे पढ़ते हैं, 28, TWENTYEIGH, 28। रोमन में संख्या कैसे लिखते हैं, XXVII। तीन बार है XV, दो बार XX है, VIII, 28 हो गया। अगली संख्या हमारा 29। ऊ न ता में बड़ी एक मात्रा, सा, 29। 29, TWENTYNIN, 29 अंग्रेजी में पढ़ते हैं। और रोमन में कैसे लिखते हैं, दो बार XX लिखते हैं, फिर IX लिखते हैं, XX लिखते फिर IX लिखते हैं। अगली संख्या हमारा 30। 30 को हम कैसे लिखते हैं, शब्दों में ता लिखते हैं बड़ी एक मात्रा, सा, 30। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 30। क्या पढ़ते हैं, 30, THIRTY, 30। रोमन में कैसे लिखते हैं, तीन बार X लिख देते हैं, तीन बार X लिख देते हैं, क्या हो जाता है, 30 रोमन में हो गया आपका। अगली संख्या है हमारा 21। शब्दों में लिखते ई का ता तामे बड़ी एक मात्रा, सा, 21। अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं इसको, 31, THIRTYON, रोमन में कैसे लिखते हैं, तीन बार XX लिख देते हैं, फिर एक आई खींच देते हैं, क्या हो गया, 31। अगला हमारा है 32। क्या है, 32 को हम लिखते हैं बा, आधा ता, ता, ता में बड़ी एक मात्रा, सा, 32। पढ़ते क्या है, 32, TWO, 32। तीन बार XX लिख करके दो लाइन खींच देते हैं, तो क्या हो गया, 32, ये रोमन हो गया हमारा। अगली संख्या आता है हमारा 33। को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, शब्दों में ता लिखते हैं, ता में एक मात्रा, सा, ता में बड़ी एक मात्रा, सा, 33। अब अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 33, TWENTYTHRII, 33। फिर आगे क्या लिखते हैं रोमन में, XX, तीन बार IIIA, क्या हो गया, 33। अगली संख्या हमारा क्या है, 34। 34 को कैसे लिखते हैं हम हिंदी में, चा लिखते चा में ओ की मात्रा, ता लिखते ता में बड़ी एक मात्रा, सा, 34। फिर इसके बाद आता है 34। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 34, THIRTYFOUR, 34। तीन बार XX लिखिए, फिर आई भी लिख देते हैं, क्या हो जाता है, 34, ये रोमन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है 35। 35 में हम पाप में आई की मात्रा, 35, ता में बड़ी एक मात्रा, सा, 35। अंग्रेजी पढ़ते हैं 35, THIRTYFIVE, 35। और रोमन में लिखते हैं तीन बार XXVI लिखते हैं, तो ये हो गया 35। अगली संख्या हमारा है 36। 36 को हम रोमन में लिखते छा, ता में बड़ी एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा, सा, 36। 36 अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, 36, TH, IRT, YSI, X।
तीन बार एक्स एक्स लिखते हैं फिर वी आई लिख देते हैं, क्या हो गया 36। अगली संख्या हमारा 37। 37 में सा सा में अल्प मात्रा था बड़ी की मात्रा सा 37। इंग्लिश में पढ़ते हैं 37, क्या पढ़ते हैं 37, TH IR TY SEVEN 37। रोमन में क्या लिखते हैं तीन बार एक्स एक्स लिखते हैं फिर वी आई आई 37 हो गया। अगली संख्या हमारा 38। 38 कैसे लिखते हैं आ अड़ा ता ता में बड़ी एक मात्रा सा 38। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं 38, क्या पढ़ते हैं 38 TH IR TY EIGHT 38। रोमन कैसे लिखते हैं तीन बार एक्स एक्स लिखते हैं बी फिर तीन बार आई लिखते हैं तो क्या हो गया 38। फिर इसके बाद आता है 39 यानी 39। 39 को हम कैसे लिखते हैं शब्दों में उ ना ता ला ला में बड़ी मात्रा सा 39, पढ़ते क्या 39, लिखते कैसे TH IR TY NIN E 39। रोमन में कैसे लिखते हैं तीन बार एक्स एक्स लिखते हैं फिर आई एक्स लिख देते हैं क्या हो गया ये 39। इसके बाद आता है 40। 40 40 को हिंदी में कैसे लिखते हैं चा चा में एक मात्रा ला बड़ी एक मात्रा सा 40। फिर इसको हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में 40, क्या पढ़ते हैं 40 या FOURTY लिखते कहते हैं यक्स यल लिखते हैं। रोमन में कैसे लिखते हैं यक्स यल। इसके बाद आता है 41 यानी 41। 41 को हिंदी में कैसे लिखते हैं इक ता तामे आक मात्रा ला ला में बड़ी एक मात्रा सा 41। अंग्रेजी में पढ़ते हैं 41 या FOURTY ओ यानी 41 यक्स यल आई यक्स यल आई। फिर अगली संख्या हमारा 42, इसको हिंदी में पढ़ते हैं 42। 42 लिखते कहते हैं बा लिखते हैं या में एक मात्रा ला बड़ी एक मात्रा सा 42। फिर आगे अंग्रेजी में पढ़ते हैं 42 या FORTY TWO 42। फिर अगली संख्या आती है रोमन, रोमन में कैसे लिखते हैं यक्स यल दो बार आई आई लिखते तो क्या हो गया 42। फिर अगली संख्या आती है 43 यानी 43। 43 कैसे लिखते ताय तैमा आय की मात्रा ता तामयात मात्रा लीस 43 43 इसको पढ़ते क्या है 43 FORTY THREE 43 लिखते कैसे है यस यल लिखते हैं तीन बार आई आई लिख देते हैं तो ये क्या हो गया 43। अगली संख्या हमारी 44, जिसको हिंदी पढ़ते हैं 44, इंग्लिश पढ़ते हैं 44 या FORTY FOUR 44। रोमन में लिखते हैं XL IB। अगली संख्या है 45, 45 क्या है 45। 45 को हम कैसे लिखते हैं पापा में एक मात्रा ताता में एक मात्रा ला बड़ी एक मात्रा सा 45। अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या 45 FORTY 40 FIVE 45। रोमन में कैसे लिखते हैं हम XL V। अगली संख्या है हमारा 46। 46 पढ़ते हैं 46 दिन लिखते हैं छोटी एक मात्रा छा या में एक मात्रा ला ला में बड़ी एक मात्रा सा 46। फिर आगे क्या लिखते हैं 46 अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं 46 FORTY SIX 46। रोमन में कैसे लिखते हैं XL VI लिखते हैं, कैसे लिखते हैं XL VI। अगली संख्या हमारा है 47। 47 को कैसे लिखते हैं सा सा में एक मात्रा ता ता में एक मात्रा ला ला में बड़ी एक मात्रा सा 47। पढ़ते कैसे हम 47 या FORTY SEVEN 47 पढ़ते कैसे पढ़ते हैं 47। अगला रोमन है, रोमन में कैसे लिखते हैं XL V दो बार आई आई XL VII क्या हो गया 47। अगली संख्या हमारा 48। 48 को हम कैसे लिखते हैं आड़ा ता ता में एक मात्रा
या नंबर 1 48 48 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 48 FORTYEIGHT 48 लिखते कैसे हैं XLV 3 III. अगली संख्या है 49. 49 को हिंदी में जब बोला जाता है तो लिखने में असुविधा होती है, तो 49 को 49 अंग्रेजी में बोलते हैं. हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऊ लिखते हैं ना लिखते हैं, चा चा में आत्म मात्रा सा 49. आगे FORTYNINE 49 लिखते कैसे हैं XLIX. अगला है 50. 50 50 को क्या पढ़ते हैं, पा चाचा में आत्म मात्रा सा 50. ये क्या हो गया 50, क्या हुआ 50. 50 क्या पढ़ते हैं FIFTY 50 और रोमन में क्या लिखते हैं X. कमेंट्स करें. थैंक्स. कहाँ हूँ.